नमो अरिहंताणु नमो सिद्धाणु नमो आर्यणु नमो अध्यायणु नमो लोये सर्वसाहुणु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। गाथा 220 हो गई थी। अब यह उपधि वह एकांतिक अंतरंग छेद है, ऐसा विस्तार से उपदेश करते हैं। गाथा पढ़ेंगे। किद तम हिणथि मुच्छा आरंभो वा असंजमो तस तदपद्वाम हृदो कदम पाणम प्रसाधयदि आरंभण संयम अनेमोचान्यत्या एक्यम बने पर द्रव्य रत जे होयते कहीं रीत साधे आत्मने। उपधि के सद्भाव में, उपधि माने मुनि दशा के अयोग्य जो परिग्रह होता है, तो कहते हैं उपधि के सद्भाव में उस भिक्षु के मूर्छा आरंभ या असंयम न हो यह कैसे हो सकता है। तीन चीजें, मुनि दशा के अयोग्य जो निषिद्ध उपधि है वो परिग्रह रखे, तो तीन बातें कि मूर्छा आरंभ और असंयम, अगर ये तीन चीजें नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता, माने कदापि नहीं हो सकता। तथा जो परद्रव्य में रत हो वह आत्मा को कैसे साध सकता है। ये बात गाथा में कही। अभी टीका में इसका विस्तार। उपधि के सद्भाव में नंबर एक, ममत्व परिणाम जिसका लक्षण है ऐसी मूर्छा, मूर्छा किसे कहते हैं, ममत्व परिणाम का नाम मूर्छा है, तो ममत्व परिणाम जिसका लक्षण है ऐसी मूर्छा ये उपधि के सद्भाव में ना हो ये संभव नहीं है, क्योंकि बिना मूर्छा के तो परिग्रह रखने का भाव आता ही नहीं है ना। तो जिसको परिग्रह है उसको मूर्छा है, एक। नंबर दो, उपधि संबंधी कर्म प्रकर्म के परिणाम जिसका लक्षण है, उपधि संबंधी माने वो जो परिग्रह रखा है, तो कर्म प्रकर्म माने काम में युक्त होना, काम की व्यवस्था करना, माने उस परिग्रह को संभालना, उसकी सुरक्षा करना, उसकी और भी अनेक प्रकार से व्यवस्था करना, ये सब। तो उपधि संबंधी कर्म प्रकर्म के परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा आरंभ, कि ये आरंभ भी ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। नंबर तीन, अथवा शुद्धात्म स्वरूप की हिंसा रूप परिणाम, कितना बढ़िया है असंयम की परिभाषा दी है, कि शुद्धात्म स्वरूप की हिंसा रूप परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा असंयम अवश्यमेव होता ही है। अब ये समझ में आ गया होगा कि मिथ्या दृष्टि को संयम क्यों नहीं होता, आ गया होगा समझ में अच्छे से, नहीं आया, क्यों क्यों नहीं होता, कि अरे वो कितना ही बाहर में कसाई की मंदता कर ले, वे कितनी कसाई की मंदता करने के बाद भी उसे शुद्धात्म स्वरूप की हिंसा रूप परिणाम तो चलता है ना, मिथ्यात्व है तो वहां
एक समय भी ऐसा बताओ कि जिस समय शुद्धात्म स्वरूप की हिंसा नहीं हो रही हो, एक समय बताओ ऐसा कि एक भी समय नहीं कि जिस समय शुद्धात्मा की हिंसा नहीं हो रही हो। तो इसलिए बाहर में भले वो बाहर में यम नियम संयम का पालन करे तो भी मिथ्यात्व की वजह से शुद्धात्म स्वरूप की हिंसा उसको निरंतर चल रही है, और शुद्धात्म स्वरूप की हिंसा का जो परिणाम है वो असंयम का लक्षण है, है ना। तो वो असंयम का लक्षण होने से क्योंकि उसके शुद्धात्म स्वरूप की हिंसा हो गई तो असंयम भी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां परिग्रह रखने का परिणाम आया, जो अभी आएगा इसमें निषिद्ध उपधि और अनिषिद्ध उपधि का एक प्रकरण अभी आगे की गाथा में आने वाला है, तो जो परिग्रह मुनिराज के लिए निषिद्ध है ना, कि उस परिग्रह को रखने का परिणाम आया, इसका मतलब यह हुआ कि शुद्धात्म एक तो उसमें दो चीजें होगी उसमें, कि एक तो ममत्व परिणाम वहां पर रहा, दूसरा उस उपाधि को संभालने की उसकी सुरक्षा वगैरह संबंधी आरंभ का परिणाम वहां पर रहा। तो मूर्छा और आरंभ का परिणाम जहां पर विद्यमान हो वहां पर शुद्धात्म स्वरूप की हिंसा का परिणाम जो कि असंयम का लक्षण है, तो ऐसा असंयम अवश्यमेव होता ही है। मैं तीनों चीजें हो गई, कौन कौन सी चीजें हो गई, एक मूर्छा हो गई, दूसरा आरंभ हो गया और तीसरा असंयम हो गया। अभी असंयम हो गया तो संयम ही कहां रहा, आरंभ हो गया तो निरारंभी कहां रहा, मूर्छा हो गई तो अपरिग्रही कहां रहा, है ना। और मुनिराज का स्वरूप कैसा होता है कि वो मुनिराज का स्वरूप मूर्छा रहित यानी अपरिग्रही होता है, वे आरंभ से रहित होते हैं और वे असंयम की दशा को बहुत दूर से त्याग चुके होते हैं, क्योंकि असंयम तो चौथे गुणस्थान तक है, पांचवें गुणस्थान से तो एक देश संयम आ जाता है। तो यहां उस दशा के योग्य यदि परिग्रह रखा तो असंयम की दशा हो गई, ये यहां पे कह रहे हैं। तो और फिर उसमें अकेला असंयम नहीं लिखा, उसमें लिखा शुद्धात्म स्वरूप की हिंसा रूप परिणाम जिसका लक्षण है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये संयम की परिभाषा यही है ना, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, दो तरह के संयम होते हैं ना। तो यहां प्राणी संयम ही नहीं पला, मतलब खुद ही अभी तो अपनी हिंसा नहीं मिटा पा रहा है वो, अपने आत्म स्वरूप की हिंसा वहां पर है। और यह भी कहा था कि जो असंयमी जीव होता है वो आत्मा की हिंसा तो करता ही है, लेकिन असंयमी क्यों नाम दिया उसे, कि वो सटकाय के जीवों का हनंता भी है। ये चर्चा पहले आ चुकी है अपने, कि सटकाय के जीवों का अनंता, भले बाहर में एक जीव नहीं मरे लेकिन फिर भी वो सटकाय के जीवों का अनंता कहा गया, क्योंकि असंयम का लक्षण ही यह है कि जहां पर त्रस स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है। तो हमने तो बाहर में त्याग ले रखा है, तो शुद्धात्म स्वरूप की हिंसा रुके बिना बाहर के जीवों की हिंसा नहीं रुकती, क्योंकि आत्मा में राग की उत्पत्ति होना वो पहली हिंसा है, वो बाद में हिंसा है। तो जब ये हिंसा नहीं रुकी तो वो हिंसा नहीं रुक सकती, भले ही वो अहिंसा के नाम पर भी हिंसा ही कर रहा है। अहिंसा के नाम पर हिंसा किसे कर रहा है, कि मैं सटकाय के जीवों की रक्षा करता हूं, तो ऐसा जो अभिप्राय है अज्ञानी का, या मैं सटकाय के जीवों की रक्षा कर सकता हूं, ऐसा जो अज्ञानी का अभिप्राय है, तो उस अज्ञानी के अभिप्राय में उन सटकाय के जीवों के स्वतंत्र अस्तित्व पर उसने डाका डाला है, उनके स्वतंत्र अस्तित्व को अपने अधीन माना, तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व उसने खतरे में डाल दिया, आ गया, उसका नाम हिंसा हो गया। तो वो कहा कि हिंसा रूप परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा असंयम अवश्यमेव होता ही है, नंबर एक। तथा उपधि जिसका द्वितीय हो, क्या मतलब इसका, कि आत्मा से अन्य ऐसा परिग्रह जिसने ग्रहण किया हो तो क्या होगा उसे, कि उसके पर द्रव्य में रतपना, क्या होगा कि पर द्रव्य में रतपना माने लीनता होने के कारण शुद्धात्म द्रव्य की साधकता का अभाव होता है।
क्योंकि वो तो परद्रव्य में लीन है। तो अब जो परद्रव्य में लीन है वो शुद्धात्मा में, शुद्धात्मा का साधक कैसे हो सकता है? देखो परद्रव्य में लीन का मतलब परद्रव्य में एकत्व बुद्धि, ग्रस्त समय दृष्टि हो और श्रावक समय दृष्टि हो तो वो उसके संयोग में परद्रव्य है, लेकिन एकत्व बुद्धि पूर्वक की लीनता नहीं है। चारित्र की लीनता है, माना चारित्र संबंधी दोष है, और चारित्र संबंधी दोष है इसलिए तो मुनि नहीं है वो। अगर चारित्र संबंधी दोष भी नहीं होता तो मुनि होता है ना। और इनको तो जिसने परिग्रह रख करके अपने को मुनि माना है, परिग्रह पर अपना एकाधिकार माना है कि ये तो मैं ये तो रख सकता हूं, इसमें क्या है, ये तो है चलता है, तो पंचम काल है अभी तो पंचम काल में तो ये सब चलता है। तो ऐसा जिसने परिग्रह रख करके अपना मुनिपना माना है तो वो तो सारी हिंसा कर रहा है, वो तो अपने शुद्धात्म स्वरूप की भी हिंसा कर रहा है, मुनि दशा की भी हिंसा कर रहा है। श्रामण्य का लिखा था ना पहले कि श्रामण्य का हिंसक बोला था कि नहीं बोला था, सतत हिंसा बोला था, तो वो कह रहे कि वो तो हिंसा करने वाला है। तो भाई हिंसा करने वाला है तो अहिंसा महाव्रत कहां रहा? और अहिंसा महाव्रत नहीं होने पर भी अहिंसा महाव्रत अपने को माना तो झूठ हो गया, तो सत्य महाव्रत कहां रहा? ऐसे एक एक पे चलते चलोगे तो सारे उड़ जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। विचार करना गहराई से, इससे उपधि के एकांतिक अंतरंग छेदपना निश्चित होता ही है। मतलब वहां सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि जिसको उपधि हुई है, जिसने उपधि का ग्रहण किया है, वो उपधि जो मुनिपने में निषिद्ध है। आगे आएगा कि मुनिराज के शरीर के निर्वाह के लिए कोई उपधि है जिसको जिनागम स्वीकार करता है देश काल की परिस्थिति के अनुसार। क्यों? क्योंकि अभी मुनिराज उस श्रेणी में नहीं है क्या, जैसे तीर्थंकर वगैरह होते थे कि नहीं होते थे, जिनको आहार नहीं निहार नहीं कुछ नहीं, और आहार हो तो भी निहार नहीं, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो उस परिस्थिति में जिन उपधियों का स्वीकार किया, वो जिन शासन ने उनकी आज्ञा दी है कि अपवाद मार्ग के रूप में ये कमंडल पीछे रखना, ये भी कोई राजमार्ग नहीं है, इसको भी अपवाद मार्ग कहा। क्यों? क्योंकि वास्तव में मुनिराज का राजमार्ग तो अपरिग्रही दशा है, तो अपरिग्रही दशा में मुनि पद के योग्य उपधि के ग्रहण को भी जब अपवाद मार्ग कहा, तो जो मुनि पद के योग्य नहीं है उन परिग्रहों को ग्रहण करना और उसके बाद भी अपने को मुनि मानना मनवाना, और नहीं मानने वालों को है ना जोर जोर से गालियां देना, ये क्या है, ये है ना, ये समझ लेना सब। अब देखो यहां तात्पर्य यह है कि उपधि ऐसी है, माने उपधि ऐसी है माने परिग्रह व अंतरंग छेद ही है, ऐसा निश्चित करके उसे सर्वथा छोड़ना चाहिए। तो लिहाज नहीं चलते ना, चौथा काल पंचम काल ये नहीं लिखा कि पंचम काल में ये चल जाएगा, चौथे काल में ये नहीं चलता था, पंचम काल में ऐसा हो सकता है, चौथे काल में ये नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता। जो रखने योग्य उपधि है उसका भी जिनागम निरूपण करता है। आ गया, ये बात हुई, ये 221 में तो यही बात है ना। अब 222 नंबर की गाथा में देखो जरा, अब किसी के कहीं कभी किसी प्रकार कोई उपधि अनिषिद्ध भी है। अब ध्यान देना, अब किसी के, इसका मतलब हुआ सबके नहीं, कहीं माने सर्वत्र नहीं, कभी माने हमेशा नहीं, और किसी प्रकार से सर्व प्रकार से नहीं, कोई उपधि अनिषिद्ध भी है, ऐसे अपवाद का उपदेश करते हैं। ये जो अपवाद मार्ग की लोगों ने व्याख्या कर रखी ना, बहुत उपटंग कि भाई अपवाद मार्ग है, राजमार्ग तो वही है जो तुम लोग कहते हो, लेकिन अपवाद मार्ग भी है। मैंने कहा अपवाद मार्ग भी हम कहते हैं वो है, हम कहते हैं माने जिनवाणी कहती है, हम मैंने अपन नहीं, हम माने जिनवाणी,
अपवाद मार्ग भी वो है, तुम अपनी मति कल्पनाओं से अपवाद मार्ग का भी अपवाद मत करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अपवाद मार्ग का अपवाद करने की अनुमति नहीं है। अपवाद मार्ग लिखा है ना, छठे गुणस्थान की दशा अपवाद मार्ग है और सातवें गुणस्थान की दशा उत्सर्ग मार्ग है, और उत्सर्ग और अपवाद की मैत्री मुनिराज साधते हैं। ना तो उन्हें एकांत उत्सर्ग में रहने का आग्रह है, न उन्हें एकांत अपवाद का आग्रह है। मैं अपवाद इवन ठीक है, अपने तो बढ़िया है, 28 मूल गुण का पालन करते रहो, मजे हैं इसी में, अपवाद का भी आग्रह नहीं। और नहीं नहीं ये परिणाम आए ही क्यों, मुझे आना ही नहीं चाहिए, ऐसा उत्सर्ग का भी आग्रह नहीं, क्योंकि भूमिका है तो उस भूमिका में वैसे परिणाम आएंगे। तुम अगर उस भूमिका का अतिक्रांत करके उन परिणामों को खदेड़ना चाहोगे, भूमिका गिर जाएगी। वचनामत में एक बोला है इस तरह का, बहुत जोरदार बोल है, गुरुदेव बोले गणों सूक्ष्म छे, हट नहीं करना, आत्मार्थी हट नहीं करता। अभी मेरे को राग का अभाव होना, नहीं होना कोई बात नहीं, रहने दे, तेरे राग की एकत्र टूट गया ना, बस तेरा काम हो गया। अब वो राग रहता है कि जाता है, कि अभी रहता है अभी जाता है, कि थोड़े काल रहता है, कि तेरे लिए वो उपेक्षा कोटि में हो गया ना, तो जो तेरे लिए उपेक्षा कोटि में हो गया, बार बार तू उसे याद क्यों करता है? और बार बार याद करता है, मैं तो राग को भगाऊंगा, राग को भगाऊंगा, राग को भगाऊंगा, तो तेरी शुद्धात्मा की दृष्टि भी टूट जाएगी, क्योंकि तू तो राग के पीछे हाथ धोके पड़ गया। पुरुषार्थ का स्वरूप यह है कि सहज है पुरुषार्थ, हट नहीं होती पुरुषार्थ में, तो भूमिका आगे की भूमिका की कोशिश करेगा तभी तो गुणस्थान टिका है वो। लेकिन इसी समय क्यों नहीं होता, ऐसी आकुलता नहीं होती, आकुलता नहीं होती और प्रमाद नहीं होता, प्रमाद नहीं होता इसलिए अगली भूमिका का पुरुषार्थ करता है। तो अगली भूमिका का पुरुषार्थ करने पर अगली भूमिका भले ही प्रकट ना हो लेकिन वर्तमान भूमिका को का नाश नहीं होता। क्या मतलब, समझो कि जैसे चौथे गुणस्थान वाला जीव है, तो चौथे गुणस्थान वाला इसी समय मेरे ये राग का अभाव क्यों नहीं होता, ऐसा हट नहीं होता उसको, और पांचवें गुणस्थान की के लिए पुरुषार्थ भी चालू है, क्योंकि पुरुषार्थ क्या है, शुद्धात्मा में अपने उपयोग को जोड़ना, वो पुरुषार्थ है, तो वो पुरुषार्थ भी चालू है। आ गया? तो ये सब होने पर भी पांचवें गुणस्थान के योग्य पुरुषार्थ करता है, तो पांचवा गुणस्थान चाहे प्रकट हो या नहीं होवे, लेकिन चौथा गुणस्थान नहीं गिरेगा। पांचवें गुणस्थान वाला मुनि दशा के योग्य पुरुषार्थ करता है, मुनि दशा की प्राप्त करने की दिशा में पुरुषार्थ करता है, मुनि दशा चाहे उसके जीवन में आवे नहीं आवे, पांचवा गुणस्थान नहीं जाएगा। एक बात तो प्रमाद की, तो यह स्थिति तो अगली भूमिका का पुरुषार्थ करेगा, भावना अगली भावना पूर्णता की होगी तद अनुरूप पुरुषार्थ भी होगा, लेकिन अगर गुणस्थान की भूमिका नहीं बढ़ती है, अपेक्षित शुद्धि की वृद्धि नहीं होती है, राग का अभाव उस भूमिका में जो राग है, अब उस राग का अभाव अभी नहीं होता है, तो उसके लिए ऐसा खेद खिन्न नहीं होता कि आत्मा की साधना ही टूट जाए, राग के पीछे इतना डंडा लेके नहीं पड़ना। आई बात समझ? सहज पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ में कर्तत्व तो नहीं है, ध्यान देना, हम पुरुषार्थ के नाम पर तो कर्तत्व का पोषण करते हैं और प्रमाद के नाम पर होनहार को बताते हैं। जब हमें प्रमादी रहना हो, होनहार है वो तो क्रमबद्ध है, ये क्रमबद्ध काय के लिए था, इसके लिए क्रमबद्ध था ना, है ना। और या हम क्या करेंगे कि या हम पुरुषार्थ के नाम पर कर्तत्व का पोषण करेंगे, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है, पुरुषार्थ, अरे पुरुषार्थ का मतलब क्या है, पुरुषार्थ भी आत्मा की सहज दशा है। आ गया? अच्छा पुरुषार्थ किस पर दृष्टि रख करके होता है ये बताओ, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पर दृष्टि रख करके होता है कि आत्मा पर दृष्टि रखने, आत्मा पर दृष्टि रहने से पुरुषार्थ बढ़ता है? हम तो हमारी तो दृष्टि पुरुषार्थ पर है, हमको तो पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा,
तो जिसकी दृष्टि पुरुषार्थ पर है, पुरुषार्थ एक पर्याय है, और पर्याय पर दृष्टि रख करके पर्याय का, पर्याय में शुद्धता का पुरुषार्थ कभी नहीं होता। और स्वभाव की दृष्टि में आगे की भूमिका का पुरुषार्थ सहज हुए बिना नहीं रहता। आ गया? इसलिए एक खेद नहीं करना उसमें ज्यादा, एक ही रहे। क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप है ना, वो दो जाएगा ही राग, अभी कितने काल तक रहने वाला है वो, है ना। ये कहना। अभी देखो यहां पे देखो, जिस उपधि के माने आहार निहार आदि के, आहार निहार आदि के ग्रहण विसर्जन में, माने आहार के ग्रहण में, मलमूत्र आदि के विसर्जन में, सेवन करने से करने में, जिससे सेवन करने वाले के छेद नहीं होता, माने मुनिराज की भूमिका नहीं गिरती, ऐसी उपधि का सेवन कर सकता है। आ गया? हाँ। उस उपधि युक्त, फिर क्या लिखा, काल क्षेत्र को जानकर, क्योंकि पंचम काल में कोई मुनिराज होंगे तो ऐसे मुनिराज कोई नहीं होंगे जिनके निहार ना हो। आ गया? तो उस तरह की उपधि उनके अनिवार्य है। चौथे काल में ऐसे मुनिराज भी होते थे जिन्हें पीछे की आवश्यकता नहीं होती थी, कमंडल की आवश्यकता नहीं होती थी, तो उस समय नहीं होती थी तो नहीं रखते थे, क्योंकि वो अनिवार्य उपकरण नहीं है, अपवादी का उपकरण है। ध्यान से सुनना, क्या कहा, अनिवार्य उपकरण नहीं है, अपवादी का उपकरण है। तो अगर आवश्यकता हो तो ये रख सकते हैं, नहीं आवश्यकता हो तो कोई आवश्यक नहीं है। होते कि नहीं होते, तीर्थंकर बने जो भी होते हैं, बहुत से जो ऐसे होते हैं, कौन से अलग अलग होते हैं ना, जिनको संयम वगैरह इस टाइप के होते हैं, नहीं होती उनको आवश्यकता, तो वहां नहीं होती, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। चतुर, अभी देखो सामान्य नियम क्या है कि मुनिराज चतुर्मास में विहार नहीं करते, बराबर है, पक्का नियम है, नहीं करते, एक जगह रहते, ठीक है। लेकिन अभी कोई चारण रिद्धिधारी हो या आकाशगामनी, आकाश में उड़ने की जिनके पास रिद्धि हो, तो वे चातुर्मास में भी उनका भ्रमण, क्योंकि प्रयोजन क्या था चातुर्मास में नहीं चलना, इसका प्रयोजन क्या था कि जीव इंसान ना। अब वो आकाश मार्ग में गमन कर रहे हैं, जमीन पर चलते ही नहीं है, मान लो विहार करने के लिए जमीन पर चलने की उनको आवश्यकता नहीं होती, तो आकाश मार्ग में भी गमन होता है तो विहार करते हैं। और यही तो हुआ था, वो जो पद्म पुराण में कहानी आती है ना, कि पद्म पुराण में एक श्रेष्ठि ने मुनिराज को देखा कि भाई ये मुनिराज अभी यहां, तो अभी हमने चातुर्मास के टाइम पे आसपास में कहीं देखे नहीं, और ये मुनिराज आए कहां से, तो अवश्य ये भ्रष्ट हैं, चातुर्मास में विहार कर रहे हैं, ऐसा जान करके, भ्रष्ट जान करके, भ्रम से भ्रष्ट जाना, ध्यान से सुनना, भ्रष्ट थे नहीं लेकिन भ्रम से भ्रष्ट जाना, तो आहार नहीं दिया। बाद में जब उसे पता लगा तो फिर बाद में उन मुनिराज के पास गया, कहां है पता लगा, जो भी कुछ हुआ उनसे क्षमा मांगी, लेकिन एक बार तो अगर लगा कि ये भ्रष्ट है, भ्रम से भी भ्रष्ट लगे तो वंदन आदि का, आहार आदि का कोई विधान नहीं हो सकता। तो जो साक्षात भ्रष्ट दिखाई दें, जिन शासन की मर्यादाओं को तार तार करते दिखाई दें, भाषा समिति की मर्यादाओं को तोड़ते हुए दिखाई दें, जिन मंदिर और जिन प्रतिमाओं को स्टेचू कहते हुए दिखाई दें, उनके प्रति हमारा सम्मान, आहार दान आदि व्यवस्थाएं कैसे हो सकती है, किसी कीमत पर नहीं हो सकती। क्योंकि जब तुम जिनागम का सम्मान नहीं कर सकते हो, जिन शासन का और अर्यंत परमात्मा का सम्मान तुम्हारी वाणी में और तुम्हारे व्यवहार में नहीं है, तो श्रावकों का क्या एक कर्तव्य नहीं है कि वो तुम्हारे साथ सम्मान के सारे रिश्ते तोड़ दे, वो कर्तव्य नहीं है श्रावकों का। क्योंकि देखो जैन दर्शन में कोई बड़ा नहीं है, कोई वेश बड़ा नहीं है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, सबसे सर्वोपरि जिन शासन है, जिन शासन की मर्यादाओं को अगर कोई लांघता है
जिन शासन की मर्यादाओं को कोई तोड़ता है वो कितना ही बड़ा नामधारी हो, हमारा उससे कोई संबंध नहीं। और जिन शासन की मर्यादाओं को लेकर के चल रहा है तो उम्र में अपने से कितना ही छोटा हो, वो हमारे लिए उस भूमिका में, जिस भूमिका में वो है, उस भूमिका में वो आदर के योग्य है। ये जैन शासन है ना। आज आया सुदीप जी का एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, अभी मैं ये अपनी स्वाध्याय के बाद वो आर्टिकल पढ़ के सुनाना सबको, बहुत जोरदार लिखा है उन्होंने। देखो, इस लोक में आ गया, काल क्षेत्र को जानकर इस लोक में श्रमण भले वर्तो, उसका हम क्या निषेध करेंगे, सर्वथा हो ही नहीं सकता भाई। हम जो जिन शासन, जिन चीजों की छूट जिन शासन देता है कि ये अपवादिक परिग्रह हो सकता है, ये अपवादिक उपकरण मुनिराज के पास हो सकते हैं, कि उन उपकरणों की छूट जिन शासन ने दी है और उसको प्रत्येक जिन धर्मी स्वीकार करेगा। लेकिन जिनकी छूट जिन शासन नहीं देता, जिनवाणी नहीं देती, वो छूट देने का किसी को अधिकार नहीं। ख्याल में आएगा नहीं, आ गया? काल क्षेत्र का मतलब वो अभी बताया था ना, कि जैसे चौथे काल में तो जैसे बहुत से मुनिराज ऐसे होते थे कि जो जिनको निहार आहार निहार वगैरह की आवश्यकता नहीं होती थी, बहुत उत्कृष्ट संयम वाले होते थे, ऐसी लब्धियां होती थी कि उनको इन उपकरणों की जरूरत नहीं होती थी। तो नहीं ले, कोई तकलीफ थोड़ी भाई। ये इस तरह की इस भाषा में है। अब देखो टीका में, आत्मद्रव्य के द्वितीय, पुद्गल द्रव्य का अभाव होने से, आत्मद्रव्य के किसका अभाव है, आत्मद्रव्य के द्वितीय माने अन्य पुद्गल द्रव्य का अभाव होने से समस्त ही उपाधि निषिद्ध है, ऐसा उत्सर्ग माने सामान्य नियम है। आगे समझे क्या है ये सामान्य नियम, ये है। देखो सामान्य नियम क्या है कि रेलवे में सभी यात्रियों को टिकट लेकर के ही यात्रा करना चाहिए, ये सामान्य नियम है और सबके लिए लागू होता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। क्या अपवाद होते हैं कि रेलवे कर्मचारी है ना, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा कुछ विशेष सम्मान को प्राप्त व्यक्ति, वे रेल में अपवादिक रूप से बिना टिकट यात्रा करते हैं और करने का अधिकार इंडिया गवर्नमेंट ने उनको दिया है। आगे ना, तो सामान्य नियम यह है कि कोई भी उपाधि रखने योग्य नहीं है। लेकिन उस इस सामान्य नियम के अपवाद हैं। तो सामान्य, देखो सामान्य नियम भी अपने को जिन शासन बता रहा है और सामान्य नियम के अपवाद भी जिन शासन ने बताए हैं, है ना। तो इन अपवादों का अपवाद करने की हमें अधिकार किसने दिया, मुझे यह समझ में नहीं आता। आ गया वो देखो, और विशिष्ट काल क्षेत्र के वश कोई उपाधि अनिषिद्ध है, ऐसा अपवाद है। अब बोलो काल की मर्यादा का आचार्यों ने ख्याल नहीं रखा, उनको पता नहीं था कि पंचम काल है, ये विशिष्ट काल क्षेत्र क्यों लिखा, कि इस काल में इस क्षेत्र में इन उपाधियों के बिना मुनि धर्म का निर्वाह नहीं हो सकता, इसलिए ये उपाधि अपवादिक रूप में मुनि धर्म में स्वीकार की गई है और इनके रहने पर भी मुनि धर्म का छेद नहीं होता, क्योंकि इन उपाधि का प्रयोजन श्रमण चर्या की साधना है, बहिरंग भोग विलास के लिए वो उपकरण नहीं होते। और इसलिए एक दिन बताया था कि पिच्छी को उपकरण कहा, मान लो तो पिच्छी को उपकरण कहा संयम के लिए, जीवों का परिमार्जन करने के लिए, जहां मुनिराज बैठते हैं वहां जीवों का परिमार्जन, मानो पिच्छी ऐसी होती है कि किसी जीव पर भी वो पिच्छी रखे तो जीव की विराधना नहीं होवे, तो वो संयम के उपकरण के लिए पिच्छी है ना। अब उस संयम के उपकरण को तुम आशीर्वाद का उपकरण बना लो और हर किसी के माथे पे पिच्छी ठोको, ये नहीं है विधान, आशीर्वाद का उपकरण नहीं है पीछे, आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता पीछे से। एक बात,
दूसरी बात, आप मान लो भूमाई पिछली रैन में कछु सहन एकाशन करण, कि मुनिराज पिछली रैन में एक करवट से विश्राम करते हैं, है ना, तो उस पीछी को तकिए के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। जीवों का मार्जन कर, जीवों का परिमार्जन करेंगे, लेकिन अगर वहां पर कंकड़ पत्थर पड़े हैं तो उस पीछी से उन कंकड़ पत्थरों को नहीं हटाएंगे। अगर आपको नहीं बैठना है तो स्थान बदल दीजिए, लेकिन पीछी कंकड़ पत्थर हटाने के लिए नहीं है। मतलब आप अपनी सुख सुविधा के लिए, क्या कहा, समझ आ गया, अपनी सुख सुविधा के लिए उसका उपयोग यदि करेंगे तो जो पीछी अपवाद रूप में, उपकरण के रूप में समझ लो स्वीकार की गई, या जिसको उपकरण कहा गया, वही परिग्रह हो जाएगा। ये भाव दीपिका में पंडित दीपचंद जी कासलीवाल साहब ने लिखा है। भाव दीपिका पांच भावों का बहुत बारीकी से विवेचन करने वाला ग्रंथ है, तो उसमें ये बात उन्होंने लिखी है। ये अपने घर की कोई बात नहीं है इसमें, बराबर है। तो ये अपवाद है। अब देखो, जब श्रवण सर्व उपाधि के निषेध का आश्रय लेकर, सर्व उपाधि माने अपवादिक उपाधि का भी, उसके भी निषेध का आश्रय लेकर परमोपेक्षा संयम को प्राप्त करने का इच्छुक होने पर भी, ये देखो परमोपेक्षा संयम क्या होता है, जरा समझ लो इसको भी। परम उपेक्षा संयम माने उत्सर्ग निश्चय ने सर्व परित्याग परमोपेक्षा संयम वीतराग चारित्र और शुद्धोपयोग, ये सब एकार्थवाची हैं। तो परमोपेक्षा संयम के वे क्या हैं, क्या करते हैं वो, कि परमोपेक्षा संयम को प्राप्त करने का इच्छुक होने पर भी, अभिलाषा भावना परिणाम परमोपेक्षा संयम को ही प्राप्त करने का है, शुद्धोपयोग में ही लीन हो जाऊं, विकल्प की भूमिका में आऊं ही नहीं, भावना तो मुनिराज की ऐसी है, बराबर। होने पर भी विशिष्ट काल क्षेत्र के वश हीन शक्ति वाला होने से, क्यों, क्योंकि अभी केवल ज्ञान की शक्ति नहीं है, ब्रज सब नाराज सहनन नहीं है, केवल ज्ञान की शक्ति नहीं है तो शरीर में ब्रज सब नाराज सहनन भी नहीं है, और भी तो इस तरह की कोई परिस्थितियां हैं कि विशिष्ट काल क्षेत्र के वश हीन शक्ति वाला होने से उसे प्राप्त करने में असमर्थ होता है। माने इसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, इसी भाव में मोक्ष प्राप्त कर ले, इसी भाव में श्रेणी चढ़ जाए, अरे छपक श्रेणी चढ़ जाए जब तो मोक्ष ही हो जाए, नहीं उपसम श्रेणी चढ़ने की भी योग्यता नहीं ना अभी, तो ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया, छठे सातवें गुण स्थान से ज्यादा की दशा नहीं हो सकती। तो ये है जो काल क्षेत्र की बात करते हैं ना, इसका नाम है हीन शक्ति, इसका नाम हीन शक्ति नहीं है। किसका नाम, कि भैया गर्मी लग रही है तो क्या करें, बहुत परेशान होते हैं तो पंखा चला लो मुनिराज, ये हीन शक्ति का मतलब ये नहीं है। हीन शक्ति का मतलब तुम मुक्ति प्राप्त इस भाव में नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसा शरीर का, क्योंकि कि मुक्ति प्राप्त करने वाले जीवों को उसके निमित्त रूप शरीर का सहनन भी ब्रज सब नाराज सहनन होता है। ये सब पांचवा काल है, माने चौथा काल नहीं है, भरत क्षेत्र है माने विदेह क्षेत्र नहीं है, ये है उसका मतलब। ये उसका मतलब ये नहीं काल क्षेत्र की मर्यादा, अरे साहब अभी काल है तो ये कौन से काल में लिखे शास्त्र, पंचम काल में लिखे, और पंचम काल के मुनियों ने ये लिखा कि पंचम काल के अंत तक साधु होंगे, है ना, बहुत लोग दुआई देते हैं ना आजकल कि देखो कौन से शास्त्र में लिखा है कि पंचम काल के अंत तक साधु नहीं होंगे, कहां लिखा, हम तो डंके की चोट कहते हैं कि पंचम काल के अंत तक साधु होंगे, लेकिन जो साधु होंगे माने ये बात तो हम शास्त्र की पकड़ लें कि पंचम काल के अंत तक साधु होंगे, ये बात तो हम शास्त्र में से पकड़ लें, और साधु अपने मनमर्जी के हों, कि भाई पंचम काल के अंत तक साधु होंगे, जब ये जिनागम में लिखा है तो जिनागम में साधुओं का स्वरूप भी तो लिखा है, ऐसे मुनि होंगे वो पंचम काल के अंदर साधु होंगे, बाकी को तुम कुछ ही मानो, जिनागम तो साधु नहीं मानता उनको, आ गया।
ये सीधा सीधा है ना, उसमें क्या गणित है भाई। एक बात तो जिना गम की मान लें हम, एक बात तो मान लें कि श्रावकों को साधुओं की नवदा भक्ति करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, करना ही चाहिए, नवदा भक्ति के बिना मुनिराज आड़ नहीं लेते। तो ये बात तो हम जिनागम की मान लें, मतलब भक्ति करानी हो तब तो जिनागम की नवदा भक्ति लिखी है जिनागम में, आपको करना पड़ेगी, नहीं तो हम आड़ नहीं लेंगे। तो भाई साहब जिनागम में यह भी लिखा है कि प्राण जाने की कीमत पर भी साधु उदिष्ट आड़ नहीं लेता, फिर वो भी मानो। और जब वो मानना बंद कर दिया है तो फिर नवदा भक्ति का चक्कर छोड़ो और आराम से आओ, डाइनिंग टेबल पे बैठो, भोजन करो और जाओ। क्यों नवदा भक्ति कराते हो फिर? जब नवदा भक्ति चाहिए तो फिर मुनिराज का जो भोजन जिस तरह का मुनिराज का होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, अनुदिष्ट। नहीं मिलता, नहीं मिलता तो भूखे रहो, क्योंकि तुम्हारा पुण्य होगा तो तुम्हें मिलेगा, उन श्रावकों को भी ऐसा परिणाम आएगा। अरे अगर बहुत से लोग कहते हैं अरे साहब मिलता नहीं, मैं कहता मुनिराजों ने उदिष्ट भोजन का त्याग कर दिया, अनुदिष्ट भोजन का त्याग कर दिया, इसलिए उनको उदिष्ट भोजन मिल रहा है। अगर आज अपने घर में कोई बीमार हो जाता है तो अपने घर में अपने को पता है कि इसको इस तरह का भोजन नहीं चलेगा, तो अपन लोग भी कि भाई अपन अगर ये चीज बनाएंगे तो इसका मन भी बिगड़ेगा, तो अपन भी उस कुछ समय के लिए उन चीजों का बनाना बंद करते कि नहीं करते। तो अगर मुनिराज उदिष्ट भोजन का त्याग कर दें और उदिष्ट भोजन ना लें, नहीं ले तो हम आहार नहीं करेंगे, चाहे हमें भूखे रह करके अपने समाधि मरण करना पड़े, अगर ऐसा हो जाए तो मेरे ख्याल से इतना पुण्य हीन तो नहीं हुआ होगा कि उन्हें उदिष्ट आर अनुदिष्ट आर ना मिले। लेकिन सवाल यह है कि हमें अपने पुण्य पे भरोसा नहीं है। अपने पुण्य पे क्यों भरोसा नहीं है? पुण्य पे भरोसा होता तो साथ में चौका लेकर के चलने की पद्धतियां, ये आहार बनाने वाले लेकर के चलने की पद्धतियां, ये क्यों चलती है? तो वो पुण्य पे भरोसा होना चाहिए। अरे 12,000 मुनियों के संघ को, 24,000 मुनियों के संघ को इस भारत देश ने निभाया है। बोलो भद्रबाहू स्वामी का 24,000 मुनियों का संघ था कि नहीं था? और 24,000 मुनिराजों को आहार मिलता था कि नहीं मिलता था? मिलता था। बाद में अकाल का पता पड़ा तो भद्रबाहू स्वामी ने बोल दिया कि भाई ये इधर अपना मुनि धर्म का निर्वाह नहीं होगा और अपन दक्षिण देश में चलना चाहिए, क्योंकि मुनिराज ये जानते हैं कि जहां हमारे मुनि धर्म का निर्वाह नहीं हो वहां मुनिराज बुद्धिपूर्वक उस क्षेत्र में नहीं रहते। ये पद्धति है। गए दक्षिण देश में तो 12,000 लोग, अब श्रावक तो हर जगह, अंधभक्त तो उस जमाने में भी थे, आज थोड़ी थे, सभी जमाने में होते हैं। अरे साहब हम निभाएंगे, आप क्यों चिंता करते हो? 10 क्या 12 साल क्या 50 साल का अकाल पड़ जाए, हमारे भंडारों में इतना अनाज है और आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, है ना? तो जो उन श्रावकों के जाल में फंस गए वे उस जमाने में भी भ्रष्ट हुए। जो श्रावकों के जाल में फंसे वो उस जमाने में भ्रष्ट हुए। मतलब देखो क्या विचित्रता कि श्रुत केवली भद्रबाहू कह रहे हैं और उनकी बात का उल्लंघन किया और श्रावकों की बात में आ गए और 12,000 मुनि इसी प्रांत में रह गए। आ गया। जब जब भी मुनिराज श्रावकों के चक्कर में पड़ेंगे समझ लो उनके अधोपतन के दिन आ गए हैं। क्यों? क्योंकि तुमने श्रुत केवली, अरे जो अंतिम श्रुत केवली थे जिन्होंने निमित्त ज्ञान से यह जाना था कि 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा और हमारा मुनि धर्म नहीं सधेगा, तुम्हें अपने गुरु के निमित्त ज्ञान पर भरोसा नहीं रहा। अपने गुरु ने आज्ञा दी, अपने गुरु की आज्ञा का लोप किया और श्रावकों के बहकावे में आए। क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है, पूरा इतिहास है ना? कि एकदम ऐसे नहीं है, एकदम इनपे कपड़े और इतने इतने उपकरण एक साथ आ गए थे, ऐसा नहीं है। ये विकृतियां भी बहुत लंबे काल तक चला है, तब आइए। पहले नग्न रहते थे, फिर आहार करने जाते थे तब वस्त्र लगा लेते थे, वापस नग्न रहते थे, बहुत ऐसा, बहुत धीरे 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 फिर हुआ है सब। ये इतिहास पढ़ो तो जरा। कहने का मतलब क्या है कि भाई इसलिए जिनवाणी क्या कहती है कि इसलिए जिनवाणी कहती है ना, आगे आएगा कि लौकिक जनों से संसर्ग मत करो, कि तुम्हारा पद ऊंचा है, तुम श्रावकों के निर्देशन में चलोगे
चलोगे तो ठीक है फिर नीचे। श्रावक तो मुनिराज से नीची भूमिका वाला है ना कि ऊंची भूमिका वाला है? ऊंची भूमिका वाला, नीची भूमिका वाला है ना। अब नीची भूमिका वालों के आधार पर अगर कोई चलेगा तो उसकी भूमिका नीचे गिरेगी ऊंची बढ़ेगी, बताना जरा, है ना। और एक श्वेतांबर मत का विभाजन, मैंने जैन शासन का एक सबसे बड़ा विभाजन कि जो श्वेतांबर के नाम पर हुआ, वो इसी मुनिराजों की किंचित मुनिराजों की इसी हठधर्मिता के कारण हुआ, कमजोरी के कारण, हठधर्मिता के कारण, कि अपने गुरु की आज्ञा का लोप किया और श्रावकों के चक्कर में आए। ये इतिहास की बातें हैं, बहुत इन्हें एक समझने जैसा है विषय बहुत, कि जिनको टोडरमलजी साहब को अन्य मत कहना पड़ा, माने जिना माने भगवान के इतने अपवाद पर उतारू हो गए, कितने अपवाद पर, के भगवान महावीर के ब्राह्मणी के गर्भ में आए पहले, है माने के झूठ भी बोलो तो इतनी तो बोलो कम से कम के लोग सत्य समझें उसे। लेकिन ये इतनी धर्मांधता है यहां पर अपने देश में कि इस धर्म के नाम पर कुछ भी करवा लो, इसको धर्म के नाम पर कचरा पूजवा लो इस, आ गया कि ब्राह्मणी के गर्भ में आया। अच्छा फिर क्या हुआ कि इंद्र को पता लगा कि ये तो गलत हो गया, हाँ। तो उसने माता तिसला के गर्भ में उनको स्थापित किया, क्या मूर्खता जैसी बातें। हाँ फिर टोटरमलजी ने भी लिखा, क्या बता रहा, फिर गर्भ कल्याणक, और गर्भ कल्याणक कहां हुआ, क्या गर्भ कल्याणक हुआ उस ब्राह्मण के घर में, है ना, और जन्म कल्याणक हुआ राजा सिद्धार्थ के घर में, कि तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसे महापुरुष के लिए ऐसे अपवादजनक वाक्य कहते हुए। ये टोटरमलजी साहब ने लिखा कि ऐसी बात सुनने योग्य भी नहीं है ना भैया, ये बहुत बहुत समझने जैसा है। इसलिए आ गया भैया, समझ में आ गया ये कि विशिष्ट काल क्षेत्र का मतलब समझ में आया संयम भाई, है ना, कि विशिष्ट काल क्षेत्र का मतलब ये है कि ये नहीं कि मन में तो आ गया कि वस हीन शक्ति वाला होने से, वो हीन शक्ति का आधार लगाते इस तरह, ऐसे नहीं चलता। अगर जिनागम को मानना है तो सर्वांगीण मानो, नहीं मानना है तो फिर बिल्कुल मत मानो, तो हमारी हमारे मतलब की होगी उसे तो हम मान लेंगे, है ना, और बाकी में ठीक है जी, वो तो पंचम काल है, तो पंचम काल है तो भक्तियों में भी तो कुछ छूट दो हमको, नवदा भक्ति की जगह दो चार एक आध भक्ति करा लो, वो नहीं, वो पूरी चीज, वो पूरी चीज, मतलब पुजवाने के लिए पूरी चाहिए और पालने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ी चलेगा। ये आया देखो उसे कि हीन शक्ति वाला होने से उसे प्राप्त करने में असमर्थ होता है, तब उसमें अपकर्षण करके, अपकर्षण माने घटा घटापन, हीनता माने अपवाद व्यवहार ने एक देश परित्याग, अपहत संयत, देखो उपाधि वाले जो अनिषिद्ध उपाधि वाले मुनिराज को क्या कहा, अपहत संयत, अपहत संयम कहा, अल्पता हीनता वाला संयम कहा, है ना, सराग चारित्र और शुभोपयोग ये सब एकार्थवाची हैं। तो असमर्थ होता है तब उसमें अपकर्षण करके अनुत्कृष्ट संयम प्राप्त करता हुआ उसकी बहिरंग साधन मात्र उपाधि का आश्रय करता है। इस प्रकार जिसका आश्रय किया जाता है ऐसी वह उपाधि उपाधि पने के कारण वास्तव में छेद रूप नहीं है। क्यों छेद रूप नहीं है, कि उससे वो उस भूमिका में स्वीकार्य है, हाँ, प्रत्युत छेद की निषेध रूप मन त्याग रूप ही है, मान वो छेद नहीं हो, अगर वो नहीं रखोगे तो छेद हो जाएगा, ये सब आगे आएगा इसका और डिटेल से, कि जो ये हो गया बस अभी इसको पढ़ लेता हूं खाली, फिर इसका स्पष्टीकरण कल कर लेंगे, कि जो उपधि अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होती वह छेद है, किंतु यह मन संयम की बाह्य साधन मात्र भूत उपधि तो सामान्य पर्याय की सहकारी कारणभूत शरीर की वृत्ति के हेतुभूत आहार निहार आदि के ग्रहण विसर्जन मैंने ग्रहण त्याग संबंधी छेद के निषेधार्थ
ग्रहण की जाती जाने से सर्वथा अशुद्धोपयोग सॉरी सर्वथा शुद्धोपयोग सहित है, इसलिए इसके इसलिए छेद के निषेध रूपी। अब इसमें ये क्या कहना चाहते हैं इसकी विस्तार से चर्चा अपन थोड़ी कल करेंगे, इसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर मुनिराज कमंडल नहीं रखे तो मलमूत्र का विसर्जन करेंगे तो अगर कमंडल नहीं होगा उनके पास, पानी नहीं रखे मतलब कमंडल नहीं होगा तो सुचि नहीं होगी, शरीर की सुचिता नहीं होगी, है ना, तो लोक अपवाद होगा उसमें। ऐसे बहुत से कारण हैं कि जिनके कारण इन अनिषिद्ध उपदियों को स्वीकृत किया गया है, और यह भी मुनिराज ने स्वीकृत नहीं किया, यह भी केवली भगवान की आज्ञा में आया कि विशिष्ट काल और विशिष्ट क्षेत्र के लिए विशिष्ट माने स्थिति में इन उपदियों का अंगीकार मुनिराज करते हैं, है ना। ये है, उनके प्रति भी राग नहीं होता, ध्यान में बैठे तो कहां उपदी है, कोई उठा के ले जाए तो ले जाए, उनके सामने भी कोई उठा के ले जाए तो ये नहीं कहते कहां ले जा रहा है, मेरा है ये, तो उसके पीछे भगेंगे नहीं, ये कहां ले जा रहा है, ये मेरा है, ऐसा नहीं होता, ले जाते रहे जो हुआ। इसका नाम है, ये एक बहुत ही मार्मिक बिंदु इसमें आया है जिस पर अपन और विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। अभी वो एक जरा पढ़ लो वो लेख।